पृथ्वी का अस्तित्व बनाए रखने, अन्य जीव जंतुओं और विभिन्न प्रजातियों को बचाए रखने के उद्देश्य से हर वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। तो दोस्तों, हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस या वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, और पृथ्वी का अस्तित्व जो है उसको बनाए रखने के लिए ही, और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी जीव जंतु हैं और विभिन्न प्रकार के प्रजाति जो यहाँ पृथ्वी में पाई जाती है, उन सारी चीज़ों को बचाए रखने के ही उद्देश्य से 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पर इसके बारे में बताया हुआ है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। यहाँ पर ऐसे ही अपडेट्स और जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो यहाँ पर जो है 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। हमारे सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों में केवल पृथ्वी पर ही जीवन है, और यही पृथ्वी पर हमारे और अन्य जीवों का जीवन का आधार है। तो दोस्तों, हमारा जो है सोलर सिस्टम है, वहाँ पर जितने भी ग्रह हैं उसमें से केवल इस अर्थ पर ही जीवन है, यानी कि लाइफ यहीं पर है, और इसी पृथ्वी पर ही हमारा और साथ ही साथ अन्य जीव जंतुओं का जो है जीवन का जो आधार है, जो जीवन का बेस है, वो हमारा यही पृथ्वी ही है। लेकिन इसका अस्तित्व जो है अभी खतरे में पड़ गया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। तो इसी कारण से हमें इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देनी चाहिए। पृथ्वी पर हम मानवों मनुष्यों की आबादी लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर जीव जंतुओं व पेड़ पौधों की प्रजातियाँ लुप्त होती जा रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं कि पृथ्वी पर जो है हमारी आबादी जो है, मनुष्यों की आबादी जो है लगातार बढ़ रही है, और यहाँ पर साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि जितने भी जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे की प्रजातियाँ हैं वे लुप्त होती जा रही हैं, वे लोग अब यहाँ देखने नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर इनको भी हम लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं, जनसंख्या वृद्धि होने से पृथ्वी का वातावरण, जल, वायु आदि प्रदूषित होती जा रही है, जिससे विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं और जीवन भी समाप्त होता जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि होने से बहुत सारी चीज़ें, समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं, जैसे कि पृथ्वी का जो है वातावरण वह परिवर्तन हो गया, पृथ्वी का वातावरण गंदा प्रदूषित होता जा रहा है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तो हो ही रहा है, और इस प्रकार के चेंजेस होने से, परिवर्तन होने से विभिन्न प्रकार के जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं वो उत्पन्न होती जा रही हैं, जो मानवों और साथ साथ अन्य जीव जंतुओं, अन्य प्रजातियों के लिए नुकसानदेह होती जा रही हैं। तो विभिन्न प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, और इस कारण से जो जीवन है वह भी समाप्त होता जा रहा है। पेड़ पौधों का भी जीवन, साथ साथ जीव जंतुओं का भी जीवन और मनुष्यों का जीवन भी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण समाप्त होता जा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो है वर्ल्ड अर्थ डे, वो सबसे पहली बार कब मनाया गया था। तो वर्ल्ड अर्थ डे पहली बार 22 अप्रैल 1970 में मनाया गया था। तो ये जो है 22 अप्रैल 1970 में सबसे पहले वर्ल्ड अर्थ डे विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आपको सारी जानकारियाँ तो मिल ही जाएंगी, तो आप लोग लिंक में जाके जरूर से ज़रूर क्लिक करें। हमें पृथ्वी को बचाने, पृथ्वी को स्वस्थ रखने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए, क्योंकि अगर पृथ्वी ठीक रही तो हम सब जितने भी जीव जंतु हैं सब ठीक रहेंगे। तो हमें पृथ्वी को बचाना है, इसका जो अस्तित्व जो है उसको बचाए रखने के लिए, पृथ्वी का स्वास्थ्य को जो है उसको भी ठीक रखने के लिए हमें हर संभव प्रयास करने चाहिए, क्योंकि अगर पृथ्वी ठीक रही तो पृथ्वी से हमें और अच्छी चीज़ें मिलेंगी जितने भी हो सकेगी, तो हमारी जो जीवन है, जीव जंतुओं का जो जीवन है वो सब सारे के सारे ठीक रहेंगी। आज के वर्तमान समय को देखने से पता चलता है कि किस तरह कुछ ही वर्षों में पृथ्वी का पर्यावरण कितनी बदल गई है। हमें समझना होगा कि पृथ्वी जितनी है हम मनुष्यों की, उतनी ही पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की भी है। तो दोस्तों, आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ ही वर्षों में पृथ्वी का जो पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंट है, वह बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गई है, और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, आप लोगों को मालूम ही है। तो हमें यह भी समझना होगा साथ ही साथ कि पृथ्वी जितनी हम मनुष्यों की है उतना ही पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की भी है, मतलब मनुष्य का जितना अधिकार है इस पृथ्वी पर उतना ही पशु पक्षियों और पेड़ पौधों का भी है, क्योंकि पृथ्वी इतनी बड़ी है तो हम लोग यहाँ पे जितने भी जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, सब के सब यहीं पर अपना जीवन जी रहे हैं। तो इसीलिए पृथ्वी जितनी हम मनुष्यों की है उतनी ही पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की भी है।
पृथ्वी का जलवायु परिवर्तन की समस्या हमारे लिए संकट खड़ा कर रहा है और हम ही इसके जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों हमें यह भी समझना होगा साथ में कि हम ही इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पृथ्वी का जलवायु परिवर्तन जिस रफ्तार से हो रहा है, या जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है वो हमारे लिए संकट खड़ा करते जा रहा है, भविष्य में बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं और इसके लिए खुद हम ही इसके जिम्मेदार हैं। तो ये भी हमें अपने आप को समझना होगा। हम सब अपनी स्वच्छता व बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं, लेकिन धरती को स्वच्छ और हरा भरा बनाने को लेकर उदासीन है। दोस्तों हम सब जितने भी मनुष्य हैं वो तो अपनी स्वच्छता और बेहतर स्वास्थ्य को चाहता ही है, उसके लिए वे लोग प्रयास करते हैं, लेकिन इस धरती को, इस पृथ्वी को, इस अर्थ को कैसे स्वच्छ रखें, किस प्रकार इसको हरा भरा रखें, इसको लेकर के हम लोग उदासीन हैं। हम लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं कर पाती हैं। तो ये लोग हमें चाहिए ऐसे ही कि पृथ्वी का जो है स्वास्थ्य अच्छा रहे और यहाँ का जो वातावरण है वह भी हरा भरा रहे, अच्छा रहे। दोस्तों हर साल कुछ थीम के साथ में वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इस वर्ष का थीम क्या है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो इस वर्ष का जो थीम है, यानी 2022 का थीम है, वह है इन्वेस्ट इन आवर प्लानट। यह है इंग्लिश में, हिंदी में कहेंगे हमारे ग्रह में निवेश करें। तो यह इस वर्ष का थीम है, हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आवर प्लानट। तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे इसी उद्देश्य को लेकर के इस थीम को रखा गया है कि पृथ्वी का जो है पर्यावरण को संतुलित करने के लिए जितने भी चीज़ें हम लोगों को करनी चाहिए उसको निवेश करें, ताकि यहाँ का पर्यावरण ठीक हो सके। 2021 का थीम का भी बात करते हैं। पिछले वर्ष का जो थीम था वह था रिस्टोर आवर अर्थ, यह था पिछले वर्ष का थीम, पृथ्वी को पुनर्स्थापित करना, यह था हिंदी में, और इंग्लिश में था रिस्टोर आवर अर्थ। तो दोनों जो थीम है वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। 2022 का जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, हमारे ग्रह में निवेश करें। हर इंसान को ठोस पहल करने चाहिए, जितना हर संभव हो सके पृथ्वी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे आसपास साफ सफाई रखना चाहिए, कूड़े कचरे का निपटान भी सही तरीके से करें, नदियों तालाबों आदि को दूषित ना करें और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। तो दोस्तों हम में से जितने भी मनुष्य हैं उनको ठोस पहल करनी चाहिए और जितना हो सके हर संभव पृथ्वी को बचाने की कोशिश करना चाहिए। पृथ्वी का जो पर्यावरण है उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए, आसपास का जो है साफ सफाई ठीक से करना चाहिए, जितने भी कूड़े कचरे होते हैं उनका निपटारा या निपटान जो है उसको सही से करना है, साथ ही साथ में नदियों तालाबों आदि को भी दूषित नहीं करना है और प्लास्टिक का जो उपयोग है उसको भी हम लोग कम से कम करें। तो इससे पृथ्वी का जो है संतुलन बना रहेगा, पृथ्वी का जो है पर्यावरण वह बैलेंस रहेगा। तो ये हम लोगों को अपनी ओर से करना ही चाहिए, साथ साथ सरकारों को भी ठोस पहल करनी चाहिए और आम नागरिकों को भी इस पर आगे आना चाहिए। अगर हम अपना पर्यावरण बचाते हैं, संरक्षण करते हैं, तो काफ़ी हद तक पृथ्वी भी संरक्षित हो जाएगी। तो दोस्तों अगर हम लोग अपना जो पर्यावरण को बचाते हैं, हम लोग अपना ठीक से रखते हैं, ठीक से करते हैं और संरक्षण करते हैं बहुत सारे चीज़ों का, तो पृथ्वी भी संरक्षित हो जाएगी काफ़ी हद तक। तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो दोस्तों हमें बहुत ही अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, ठोस पहल करनी ही चाहिए। तो यह थी विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे 2022 के बारे में। तो आप लोगों को यहाँ पे जितनी भी जानकारी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, साथ साथ हमें क्या करना चाहिए इसको भी अच्छे से हम लोगों को करना चाहिए और जो थीम है वो आप लोगों को याद रखना ही चाहिए। तो मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दिया हूँ, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे।